लालची घमंडी बेटी। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में शीला नामक लड़की अपनी माता कनिका पिता रोहन के साथ रहती थी। वो काफी अमीर थे। रोहन एक बहुत बड़े ऑफिस का मालिक था और वही कनिका एक टीचर थी। रोहन और कनिका दोनों ही सुबह सुबह अपने अपने काम के लिए निकल जाते और शीला घर में रहती। शीला लेट उठती थी और वह स्कूल जाया करती थी। उनके घर में एक विमला नाम की नौकरानी थी, जो कि घर के काम के साथ साथ शीला का भी पूरा ध्यान रखती। दोनों के जाने के बाद विमला शीला को उठाकर तैयार करती और उसे स्कूल छोड़कर आती, जिसके बाद वो घर का काम करती और फिर दोपहर तक वो शीला को स्कूल लेने जाती। शीला बहुत ही अमीर घराने की लड़की थी, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा घमंड था अपनी अमीरी पर और अपनी खूबसूरती पर। उसी के साथ वाले घर में एक गुनगुन नाम की लड़की एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। गुनगुन के पिता राजीव एक किसान थे और गुनगुन की माँ दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी। दोनों के मेहनत के बाद घर में पैसे आते थे, पर गुनगुन सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। शीला रोज बहुत पैसे खर्च किया करती थी, कभी शॉपिंग में, कभी घूमने फिरने में। लेकिन वही गुनगुन संस्कारी लड़की थी, जो कि पैसों की अहमियत अच्छे से जानती थी और इसलिए वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करती थी। वो हमेशा जरूरत के समय पर ही पैसे खर्च करती थी। गुनगुन के पास ज्यादा कपड़े नहीं थे और जितने भी कपड़े थे वो कहीं ना कहीं से फटे हुए थे, लेकिन वही शीला के पास बहुत कपड़े थे, वो भी अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े। लेकिन इतने सारे और अच्छे कपड़े होने के बाद भी शीला को सिर्फ यही लगता है कि उसके पास ज्यादा कपड़े नहीं है और वो हर रोज शॉपिंग करने जाया करती थी। शीला के ऐसे व्यवहार से कनिका परेशान हो चुकी थी। टीचर होने की वजह से शीला वो अपनी बेटी को हमेशा अच्छा ज्ञान देती है, लेकिन शीला को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि उसको कोई समझाए। कनिका हमेशा समझाती कि पैसों की कदर करनी चाहिए, पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं, लेकिन शीला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हर रोज फालतू कामों में ही बहुत पैसे उड़ा देती, क्योंकि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं या फालतू पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। अगर कनिका भी उसको इस तरह से समझाती तो शीला मुंह बनाकर अपने कमरे में बैठ जाती और किसी से बात नहीं करती, जिस वजह से कनिका शीला से ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। शीला कनिका या मोहन को जो भी लाने को बोलती वो कनिका उसके सामने लाकर रख देती। शीला को किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बल्कि उसे हर वक्त ज्यादा ही मिलता रहता था। एक दिन शीला स्कूल जा रही होती है, वहीं गुनगुन भी स्कूल जा रही होती है। थोड़े समय बाद जब वो दोनों स्कूल से आ रहे होते हैं, तब शीला गुनगुन को देखती है। गुनगुन चुपचाप अपने घर की तरफ आ रही थी, लेकिन फिर शीला उसके पास आकर बोली, हाय गुनगुन। हाय शीला, क्या हुआ, कुछ काम? नहीं, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम अभी घर जाकर झाड़ू पोछा लगा लोगी ना? हाँ, तो क्या हो गया? नहीं, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम अभी घर जाकर झाड़ू पोछा लगाओगी ना? हाँ, तो क्या हो गया? हाँ, वैसे तुम यही कर सकती हो, तुम्हारी माँ भी दूसरों के घर में काम करती है, तुम्हारे पिता किसान है, और मुझे देखो, मेरी मम्मी इतनी बड़े स्कूल की टीचर है, और मेरे पापा ऑफिस के मालिक, और मेरे घर में नौकरानी भी है। क्या तुम्हारे घर में कोई नौकरानी है क्या? नहीं, मेरे घर में कोई नौकरानी नहीं है, हमें नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी मिलकर अपना काम खुद कर लेते हैं। हाँ, तुम रखोगी भी कहाँ से, क्योंकि तुम्हारी माँ तो खुद ही नौकरानी है। देखो शीला, अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, अच्छा होगा कि तुम चुपचाप अपने घर के लिए निकल जाओ। अच्छा, तो अब मुझे धमकी देगी? नहीं जाऊंगी मैं, क्या कर लेगी? हाँ शीला, तुम सही कह रही हो, मैं कुछ भी तो नहीं कर सकती, बड़े घर से हो, ज्यादा घमंड है। मेरी माँ हमेशा कहती है कि घमंडी लोगों से ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं अपना समय बर्बाद ना करके मैं जा रही हूँ। और इतना कहकर गुनगुन अपने घर के लिए निकल गई। शीला को बहुत गुस्सा आया, ये लड़की मुझे अकड़ दिखा रही है, वो जानती नहीं है मैं कौन हूँ, अब तो इसको मजा चखाना ही पड़ेगा।
और घर जाकर अब शीला बस यही सोच रही थी कि किस तरह सबके सामने गुनगुन को नीचा दिखाया जाए। जिसके बाद वो अपने घर से गुनगुन के घर गई और बोली, गुनगुन चलो ना हम दोनों कहीं खेलने चलते हैं, और सुबह के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन शीला अभी मैं नहीं जा सकती, अभी मुझे घर में कुछ काम है। कोई बात नहीं गुनगुन, हम जल्दी खेल कर आ जाएंगे, तुम चलो ना, कितने दिन हो गए। अच्छा ठीक है चलो। जिसके बाद शीला की भी कुछ सहेलियां आ जाती है। लेकिन जब शीला की सहेलियां देखती है कि कहां शीला इतने अमीर घर की लड़की और वहीं गुनगुन इतने गरीब घर की लड़की है और शीला उसके साथ खेल रही है, फिर सभी एक साथ खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शीला सोचती है कि अरे मैं काम करती हूँ, मैं गुनगुन को इसी कीचड़ में धक्का दे देती हूँ, सबके सामने इसकी अच्छी बेइज्जती होगी, सब इसका मजाक उड़ाएंगे और उसके ऊपर हंसेंगे। जिसके बाद शीला गुनगुन का हाथ पकड़कर जल्दी से उसको कीचड़ में धक्का दे देती है। बेचारी गुनगुन कीचड़ में गिर जाती है, उसकी कोई मदद भी नहीं करता बल्कि सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। तभी वो उठती है और कहती है, शीला तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? क्या, मैंने तुम्हें धक्का कब दिया? झूठ क्यों बोल रही हो? बता दो ना सबको कि तुम खुद ही खेलते खेलते गिर गई। झूठ मत बोलो शीला, मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है, तुम मुझे सुबह की सजा दे रही हो, जानती हूँ मैं ही तुम्हारी बातों में आ गई। जिसके बाद गुनगुन चली गई और घर जाकर कपड़े चेंज कर लेती है। यहाँ पर शीला और उसके सारे दोस्त बहुत हंसते हैं। तभी तो मैं सोचूं कि तू इस लड़की के साथ क्यों खेल रही है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ तुझे तो गरीबों से सख्त नफरत है। ये मुझे बहुत अकड़ दिखा रही थी, पर ये जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे उसका घमंड तोड़कर बहुत मजा आया। शीला को नहीं पता था कि उसमें जितना घमंड है इतना घमंड किसी में नहीं है। जिसके बाद वो भी अपने घर चली गई और वो घर जाकर बहुत खुश थी और उसने अपने नौकरानी को भी सारी बातें बता दी। बहुत मजा आया मुझे तो, ये दिन वो याद रखेगी, ज्यादा ही अकड़ दिखा रही थी ना मुझे, उसके जैसे मैंने बहुत देखे हैं, गवार कहीं की। शीला बेटी तुमने ये बहुत गलत किया, किसी गरीब का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मैं भी गरीब हूँ और मैं भी उस लड़की की परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन तुम तो बहुत अमीर हो, तुम इस बात को नहीं समझोगी, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटी। आप यहाँ पर काम करने आती हैं तो चुपचाप काम करिए, और हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि आप भी उनमें से एक ही हैं, गरीब बिल्कुल गुनगुन की तरह। बेटा ऐसा नहीं बोलती, मैं किसी तरह पैसे कमाकर अपना गुजारा तो कर रही हूँ ना, तो तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसे गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसा ना हो कल को तुम्हारी भी ऐसी हालत हो जाए, तुम्हारी बचपन से ही अच्छी देखभाल हुई है इसलिए तुम बहुत घमंडी हो। कुछ नहीं कह रही हूँ तो मतलब आप बोलती जाएंगी? आप बस अपना काम करिए, वरना मेरे कहने पर अभी के अभी मैं आपको घर से निकलवा सकती हूँ, इसलिए मेरे से ज्यादा मत बोलिए। विमला कुछ नहीं कहती। जिसके बाद शीला गुस्से में कहती है, जिसको देखो मुझे ही ज्ञान दे रहा है। और अब शीला अपना पूरा मन बना लेती है कि वो अपने घर की नौकरानी को भी सबक सिखा कर रहेगी। इधर जब गुनगुन अपनी माँ को सारी बातें बताती है तो ये जानकर गुनगुन की माँ को भी बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, कोई बात नहीं बेटी, मैं भी जानती हूँ कि वो लड़की बहुत घमंडी है, पर हम क्या कर सकते हैं, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर, और तुझे क्या लगा वो तुझसे माफ़ी मांगेगी और तू उसकी बातों में आ गई? हाँ माँ, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी निकलेगी, आज के बाद मैं इसके किसी भी बातों में नहीं आऊंगी। वहाँ जब शीला की माँ आती है तब गुनगुन कहती है, माँ आप मुझे छोड़कर मत जाया करो, विमला आंटी मुझे बहुत मारती है, आज मैं अपने स्कूल का काम कर रही थी और घर थोड़ा सा गंदा हो गया तो उन्होंने मुझे मारा भी। क्या, उस औरत ने तुझ पर हाथ उठाया? रुक जा, मैं अभी उसके अकल ठिकाने लगाती हूँ। विमला विमला, कनिका की बात सुनकर विमला आई और बोली, हाँ मैम साहब बोलिए। तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाया? तुझे मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तू मेरी बेटी पर भी हाथ उठाएगी। मैम साहब आप ये क्या कह रही हैं? मैंने तो शीला बेटी को कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा कि तू मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखेगी, इसलिए मैंने तुझे अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए बोला,
लेकिन तू भी औरों की तरह निकल जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। अब बच्ची है, थोड़ा तो कचरा फैलाएगी ही ना। अगर आज के बाद तूने ऐसा कुछ किया तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। पर मेम साहब, आप मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चले जा यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। और बेटी, तेरे पिताजी कल ही काम से दूसरे शहर जा रहे हैं। क्या आपने उन्हें बोल दिया है ना कि वो मेरे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आए? हाँ हाँ बेटी, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया, वो तेरे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे। ये जानकर शीला बहुत खुश होती है। और ऐसे ही अब बहुत समय बीत जाता है। शीला जब भी गुनगुन को देखती तो हर वक्त उसका मजाक उड़ाती, लेकिन गुनगुन कुछ भी नहीं कहती। एक दिन दोनों स्कूल जा रही होती है। शीला आगे आगे चल रही होती है और गुनगुन पीछे चल रही होती है। शीला का ध्यान नहीं था और वो चलते चलते एक कीचड़ में गिर गई। आसपास के सभी लोग उस पर बहुत हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही गुनगुन ने देखा, गुनगुन ने उसे उठाया और वो उसके कपड़े साफ करने लगी। रहने दो, मुझे पता है ये सब तुमने मुझे बदला लेने के लिए किया है। ये कैसी बातें कर रही हो शीला? एक तो मैं तुम्हारी मदद भी कर रही हूँ और ऊपर से तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। हाँ हाँ, अब ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। अपने गंदे हाथ मेरे कपड़े पर मत लगाओ। लेकिन मेरे हाथों से भी ज्यादा गंदे तुम्हारे कपड़े हैं। और अब तुम घर चली जाओ, मैं तुम्हारे स्कूल में जाकर तुम्हारे टीचर से कह दूंगी। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा महान बनने की, मेरी मम्मी आकर मेरी टीचर से कह देगी, तुम अपने उस सरकारी स्कूल में ही पढ़ो। और ऐसा कहकर शीला वहाँ से गुस्से में चली गई। और उसे तो यही लग रहा था कि ये सब कुछ गुनगुन ने किया है, लेकिन गुनगुन को तो पता था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सब सिर्फ शीला की गलती की वजह से हुआ है। जब वो घर आती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी अगले दिन स्कूल में नहीं जाएगी। अच्छा मम्मी, अगर आप नहीं जाओगे तो कल आप मुझे स्कूल लेने आना, सबकी मम्मी स्कूल लेने आती है। ठीक है बेटी, मैं कल तुझे स्कूल लेने आऊंगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर गुनगुन खुश हो गई। वहाँ शीला भी बहुत खुश होती है और वो खुशी खुशी सो गई। लेकिन अगले दिन जब उठी तब उसे पता चला कि उसकी मम्मी की छुट्टी नहीं है और शीला के उठने से पहले ही कनिका स्कूल जा चुकी थी। जैसे ही शीला उठी, विमला आवाज देने लगी। शीला बेटी, मैम साहब स्कूल गई है तो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। ये जानकर शीला को बहुत गुस्सा आया। वहाँ रोहन अपनी बेटी को सरप्राइज देने के लिए अपने काम से घर को लौट रहे थे, लेकिन घर लौटते समय किसी गाड़ी में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पर उनकी मदद कोई भी नहीं करता, लेकिन जैसे ही गुनगुन के पिता उन्हें देखते हैं, वो जल्द ही उन्हें उठाकर किसी तरह हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आप इन्हें सही वक्त पर हॉस्पिटल ले आए, वरना इनकी जान भी जा सकती थी। अब कैसी हैं वो, ठीक तो है ना? हाँ, अब वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें थोड़े देर में होश आ जाएगा, आप तब तक इनके परिवार वालों को बुला लीजिए। जिसके बाद गुनगुन के पिता करण को और शीला को बुलाते हैं। दोनों को ये जानकर बहुत बुरा लगता है। गुनगुन भी शीला के साथ आ जाती है और जब शीला को पता चलता है कि गुनगुन के पिता की वजह से आज उसके पिता जिंदा है, तो ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। जिसके बाद वो गुनगुन से माफी मांगती है। और अब गुनगुन को भी पता चल गया था कि शीला को अपनी गलती का पछतावा है।